I am Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the HCP, hexagonal closest packing, in which I discussed about the lattice point, touching condition, coordination number, density, packing efficiency, as well as empty space. So guys, today I discuss about the voids and types of voids in details. So guys, let us start the topic now. स्टूडेंट्स, आज हम लोग वाइड्स के बारे में जानेंगे कि वाइड्स आखिर होती क्या हैं, है ना। वाइड्स के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम लोग किसके बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ वाइड्स के बारे में जानेंगे। सो गाइस, है ना, वाइड्स क्या होती है तो पहले ये जान लीजिए कि वाइड्स आखिर होता क्या। इंटरस्टीशियल स्पेस है ना, प्रेजेंट इन बिटवीन द एटम्स इन द कंप्लीट लैटिस, दीज आर कॉल्ड वाइड्स। इट मीन्स दैट जो भाई वाइड क्या होती है या वाइड्स क्या होती है आखिर, ये जरा समझिएगा। तो वाइड्स को मैं बता रहा हूँ, है ना। तो जैसे इंटरस्टीशियल स्पेस होता है एटम्स के बीच में, सपोज़ करिए एटम्स सॉलिड में बहुत क्लोजली बाइंड अप होंगे। सपोज़ करिए ये इस तरह से बाइंड अप हो रहे हैं, है ना, इस तरह से बाइंड अप हो गए। तो आप देख रहे हो जो ये जो इसके बीच में ये स्पेस जो खाली है, ये जो ये वैकेंट स्पेस जो ट्राइंगुलर वाइड आपको दिख रही है, इसी को ही हम लोग इंटरस्टीशियल स्पेस बोलते हैं। इसी को हम लोग दूसरी लैंग्वेज में वाइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? वाइड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटे? वाइड्स बोलते हैं। तो आपको पता चल गया कैसे लिखोगे इसको आप लिख सकते हो द इंटरस्टीशियल स्पेस प्रेजेंट, है ना। आप लोग लिखे, मैं बोल रहा हूँ द इंटरस्टीशियल स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन द एटम्स, इन बिटवीन द एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड वाइड्स, इज कॉल्ड वाइड्स। वेरी गुड, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ वाइड्स की। टाइप्स ऑफ वाइड्स, है ना, आखिर वाइड्स क्या होती हैं और कितने टाइप की होती हैं। तो क्या होती है, मैंने बता दिया कि इंटरस्टीशियल स्पेस जो प्रेजेंट होता है एटम्स के बीच में, है ना, किसी सॉलिड स्टेट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइड्स बोलते हैं, है ना। वो जो खाली जगह पड़ी होती है उसी को हम लोग वाइड्स बोलते हैं। ये वाइड्स दो टाइप की होती हैं। पहली होती है आपकी टेट्राहेड्रल वाइड्स, टेट्राहेड्रल वाइड्स। दूसरा होता है बेटा आपका हेक्सागोनल वाइड्स, है ना। क्या बोल सकते हैं, सॉरी हेक्सागोनल को ना बोल के हम लोग उसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ये दो तरीके की वाइड्स आपके प्रेजेंट होती हैं किसी भी सॉलिड क्रिस्टल में। जो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई आखिर टेट्राहेड्रल वाइड्स क्या होती हैं। टेट्राहेड्रल वाइड्स, है ना, आपकी टेट्राहेड्रल वाइड्स क्या है, ठीक है। तो इसको भाई जान लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि आपके पास तीन बॉल हैं सेम साइज की, तो तीनों बॉलों को आप इस तरह से ज्वाइन करोगे। ज्वाइन करा, ज्वाइन करने के बाद इसके ये ट्रायंगुलर वाइड है, इसके पीछे आपने क्या कर दिया, एक और इस तरह से आपने एटम बिठा दिया है। तो आप देख रहे हो ना, अब इसके पीछे ये जो आपको मैंने डेडेस करके दिखाया है, ये तीन बॉल के पीछे यानी तीन एटम्स के पीछे, तो आपको ये जो वाइड दिख रही है ये वाली, ये ट्रायंगुलर वाइड दिख रही है इस तरह से, ये ट्रायंगुलर वाइड, ये वाली ये ट्रायंगुलर वाइड दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वाइड्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बेटे? टेट्राहेड्रल वाइड्स। ये बात क्लियर हो रही है, जो ट्रायंगुलर वाइड्स होती है, ठीक है। जब आप चार एटम्स मतलब तीन एटम्स आपने रखे हैं, एक दो तीन, तो बीच में जगह खाली बची होगी, और आपने पीछे से क्या कर दिया, एक और एटम रख दिया, और जब आप उसको देखोगे तो आपको दिखाई देगी एक ट्रायंगुलर वाइड्स दिखाई देगी, उसी को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वाइड। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इट इज़ अ ट्रायंगुलर वाइड, है ना, लिखिएगा इट इज अ ट्रायंगुलर वाइड्स सराउंडेड बाय फोर स्फीयर दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स इज फोर, है ना। फोर कैसे होते हैं बेटे?
देखो जब आप इसके बीच में कोई एटम को बिठाओगे तो किस किन एटम से टच करेगा, तीन तो ये वाले एटम से टच करेगा और एक जो पीछे वाला एटम है उससे भी ये टच करेगा, ठीक है। आपको मैं और अच्छे से थोड़ा समझाना चाहता हूँ, है थोड़ा डिटेल में जाना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको जस्ट लाइक मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है, मैं उससे आपको ये प्रूफ कराना चाहता हूँ। तो जरा देखिएगा, मैं करने की कोशिश पूरी करता हूँ। एक बार फिर से देखिएगा बेटे किस तरह से हम लोग टेट्राहेड्राइड्स को देखते हैं। तो ये आपके स्फीयर आइटम है, ये पेपर के ऊपर भी है और पेपर के नीचे भी। आप इसको 3D डायमेंशन में इमेजिन करिए, ये भी आपका क्या है एटम है, ये भी आपका एटम है। रखे हुए नीचे भी है, पेपर के ऊपर भी हैं, क्योंकि अगर आप इस पर बॉल रखोगे तीन इस तरह से तो आपको एक ट्रायंगुलर वाइट दिखाई देगी, ये जो ट्रायंगुलर वाइट दिखाई दे रही है। अब आपने क्या किया, इसके नीचे भी एक आइटम रख दिया है ना, जब आइटम रख दिया तो आपको जो है ना यहाँ से देखोगे तो आपको एक ट्रायंगुलर वाइट दिखाई देगी, इसी को हम लोग टेट्राहेड्रल वाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, THV, मतलब टेट्राहेड्रल वाइट्स। ये बात क्लियर होगी है ना। अगर हम लोग बात करें कि पोजीशन किसी क्यूब में जो पोजीशन होगी टेट्राहेड्रल वाइट्स की वो कैसे होगी, तो जरा वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग आपकी यही है बेटे कि पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट्स, पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट्स इन क्यूब, है ना, क्यूब में क्या पोजीशन होगी टेट्राहेड्रल वाइट्स की, ठीक है। तो आपको मैं एक यहाँ पर मैं क्यूब बना लेता हूँ पहले, ताकि आप चीज़ों को आसान पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, इस तरह से मैंने एक क्यूब बना लिया है, ठीक है। अब मैं इसमें देखूंगा कि टेट्राहेड्रल वाइट्स कहाँ प्रेजेंट हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जैसे कि देख रहे हो कि ये वाला मैंने एक कॉर्नर को चूज़ किया है, सेलेक्ट किया। अब इससे मैं कुछ दूरी पे आया, यहाँ इस पॉइंट पे आ गया है ना। इसकी जो मैंने एज लेंथ मानी है ये a/4 है, कितनी बेटा a/4, यहाँ से यहाँ तक की जो एज लेंथ है वो कितनी बेटा a/4, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की एज लेंथ a/4 है। अब ये इस फेस से भी ले लीजिए, ये तो आपका क्या आ गया, ये ऊपर वाले फेस पे आ गया, ये कॉर्नर ऊपर वाले फेस से आ गया। अब ये यहाँ वाले इस फेस से तो भी ये आएगा बेटे, है ना, ये वाले फेस से भी आएगा, इसको भी टच करेगा, ये इस वाले फेस को भी टच करेगा, ये आपके इस वाले फेस को भी टच करेगा। तो देख रहे हो ये तीन फेस और एक कॉर्नर, देख रहे हो बेटा, तीन फेस और एक कॉर्नर जब आपस में मिलेंगे तो आपका क्या बनेगा, एक टेट्राहेड्रल वाइट्स बनेगा। इन सब की जो एज लेंथ है वो कितनी बेटा a/4 है, और इसको मैंने माना है ओरिजिन पॉइंट, मतलब 0 0 0, इसको कोऑर्डिनेट मान लिया, ठीक है। तो इसको किस तरह से आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इफ इट इज कंसीडर्ड, मतलब किसको कंसीडर कर रहे हो आप, कॉर्नर को, तो आप लिख सकते हो कॉर्नर। इफ इट इज कंसीडर कॉर्नर क्या है बेटा, आपका ओरिजिन है, तो आप ओरिजिन लिख सकते हो, ऑफ एनी कॉर्नर, ठीक है। देन a/4 and a/4 will be a tetrahedral whites, ठीक है गाइस। तो क्या होगा बेटा, जब आप a/4 मानोगे तो वो क्या होगा बेटा, वो ही आपका क्या निकलेगा, आपका टेट्राहेड्रल वाइट्स निकलेगा। अगर आप इस क्यूब को एक टाइम में काट दीजिए और इसको स्मॉल कर दीजिए, एक क्यूब को 8 क्यूब में अगर आप डिवाइड कर दें, तो जो भी आपको ये जो वाइट मिलेगा वो बॉडी का सेंटर होगा, उसका क्या होगा बेटा, बॉडी का सेंटर होगा। तो आप इसको भी लिख सकते हो, जो ये टेट्राहेड्रल वाइट्स है कितने आइटम से सराउंडेड रहती है, 4 आइटम से। तो आप लिख सकते हो कि विल बी अ टेट्राहेड्रल वाइट्स एंड इट इज सराउंडेड बाय 3 phases and 1 corner, ठीक है, 3 phases and 1 corner atom। तो इसमें तीन जो होंगे वो face center वाले atom होंगे, है ना, और साथ ही साथ आपका एक क्या होगा बेटा, एक corner वाला atom होगा, उनसे ही मिलकर क्या बनेगा बेटा, आपका tetrahedral whites बनेगा। बट याद रखना ये भी कि एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, तो एक कॉर्नर पे अगर एक टेट्राहेड्रल वाइट बन रहा है तो एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, तो एक क्यूब में 8 टेट्राहेड्रल वाइट्स पॉसिबल हो सकती हैं। तो आप लिख सकते हो देयर आर 8 टेट्राहेड्रल वाइट्स इन आ क्यूब, मतलब एक क्यूब में 8 टेट्राहेड्रल वाइट्स प्रेजेंट होती हैं। देखिए ये इसलिए याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि एक क्यूब में कितने टेट्राहेड्रल वाइट्स प्रेजेंट होते हैं, तो आप बता सकते हो, ठीक है।
अब हम लोग बात करेंगे टचिंग कंडीशन की। टचिंग कंडीशन की बात करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों को मैं आसानी से लिख सकूँ और आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो पहले तो आप नोट डाल लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मान लीजिए रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन जो होगी वो हमेशा होगी ए रूट थ्री बाय फोर। क्यों होगी ए रूट थ्री बाय फोर? यही आपकी क्या है एक्चुअली में, यही आपकी टचिंग कंडीशन होती है। क्योंकि आप अगर इस क्यूब को आठ में बांटोगे, आठ क्यूब में अगर एक क्यूब को आपने आठ क्यूब में डिवाइड कर दिया तो एवरी टेट्राहेड्रल वाइट जो होगी वो आपकी बॉडी के सेंटर पे होगी। कैसे होगी बेटा? बॉडी के सेंटर पे। तो बॉडी के सेंटर का जो डायगोनल होता है वो होता है ना फोर आर इज इक्वल टू ए रूट थ्री। कितना होता है? ए रूट थ्री। उसके अकॉर्डिंग आर प्लस और आर माइनस इक्वल टू क्या होगा? ए रूट थ्री बाय फोर। ये क्या निकलेगी इसकी बेटा? टचिंग कंडीशन। तो ये लिख सकते हो दिस इज आर टचिंग कंडीशन, दिस इज द टचिंग कंडीशन इन टेट्राहेड्रल वाइड्स। किसमें बेटा ये टचिंग कंडीशन किसमें देख रहे हो? टेट्राहेड्रल वाइड्स में देख रहे हो। और साथ में ये भी याद रखना कि अभी आपने एक क्यूब को आठ क्यूब में बांटा था तो जो एवरी बॉडी सेंटर होगा क्यूब का वही एक आपका टेट्राहेड्रल वाइड्स कहलाएगा। तो इसको भी आप लिख सकते हो, लिखोगे इफ इट कुड, है ना या आप बोल सकते हो इफ इट डिवाइडेड द क्यूब, इफ इट डिवाइडेड द क्यूब ऑफ साइड लेंथ ए इंटू, है ना, मिनी क्यूब्स, या ए इंटू मिनी क्यूब है ना, हैविंग साइड लेंथ ए बाई टू, है ना। तो ए बाई टू करोगे तो आपको एट क्यूब्स मिलेंगे। कितने क्यूब्स मिलेंगे आपको? एट क्यूब्स मिलेंगे। देन बॉडी सेंटर ऑफ ईच मिनी क्यूब विल बी अ टेट्राहेड्रल वाइड्स, ठीक है गाइस। तो ये याद रखिएगा। तो मैंने टचिंग कंडीशन भी आपको बता दी, है ना। आप बात करते हैं यानी टेट्राहेड्रल वाइड्स आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के बारे में। हेडिंग डाल लीजिएगा बेटे, नेक्स्ट है आपकी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स क्या होती है पहले यह समझिएगा। ये आपने तीन एटम इस तरह से अरेंज करे हैं, ठीक है। अब आपने क्या है? तीन एटम इस तरह से अरेंज करे हैं, तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से गैप आपको आगे पीछे दोनों का दिख रहा होगा। ये आपकी डबल ट्रायंगुलर वाइड है। ये क्या है बेटा? डबल, है ना, ट्रायंगुलर वाइड्स हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। इसी को क्या बोलते हैं बेटे हम लोग? ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो आप यहाँ लिख सकते हो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स क्या होती है। इट इज़ अ डबल ट्रायंगुलर वाइड्स। की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, आप सही कर लीजिएगा, है ना। इट इज़ अ डबल ट्रायंगुलर वाइड्स सराउंडेड बाय सिक्स एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, या सिक्स स्फीयर भी बोल सकते हैं। क्या बोलें? सिक्स स्फीयर, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा? दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इज सिक्स। क्योंकि छह एटम होगा, अगर इसके बीच में कोई एटम जाके बैठेगा तो तीनों एटम को इसको टच करेगा और तीन नीचे वाले एटम को टच करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने को टच करा? छह को। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा? सिक्स। अगर हम लोग बात करते हैं कि पोजीशन की, कि भाई ऑक्टाहेड्रल जो वाइड्स है वो कहाँ प्रेजेंट होती है क्यूब में, तो आप लिख सकते हो इसको समझने के लिए ना, पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इन FCC लैटिस। हम लोग किस में देखने जा रहे हैं? FCC लैटिस में देखने जा रहे हैं। तो पहले तो टचिंग कंडीशन याद रखिएगा, R प्लस प्लस R माइनस, यानी रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू A बाई टू होता है। क्या होता है? A बाई टू। यही क्या बेटा इसकी टचिंग कंडीशन है, यही इसकी क्या बेटा? टचिंग कंडीशन है,
कंडीशन की स्पेलिंग सही लिखेगा, कंडीशन है, टचिंग कंडीशन है बेटे, ठीक है। तो आपको पता है इसमें जो एटम पार्टिसिपेट करेंगे वो बॉडी सेंटर होंगे और साथ ही साथ एज सेंटर के एटम जो होंगे पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन से, बॉडी सेंटर और एज सेंटर, है ना। तो अब आप बोल सकते हो कि एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर, लिखो, है ना, एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर विल बी, है ना, विल बी द ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, द ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ठीक है। और आपके बॉडी सेंटर और एज सेंटर पे आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको क्या मिलेगा बच्चे, है ना, आपको ऑक्टाहेड्रल वाइड्स मिलेगा। तो एक क्यूब में कितने ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होंगे, तो एक क्यूब में आपको मैक्सिमम 4 ऑक्टाहेड्रल वाइड्स मिल सकते हैं। तो आप इस चीज़ को भी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के लिखिएगा इस चीज़ को। नोट नंबर 1, देयर आर 4 ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, है ना, इन एन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने मिल सकते हैं आपको, मैक्सिमम 4 ऑक्टाहेड्रल वाइड्स आपको मिल सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको वाइड्स डिस्कस करा, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ वाइड्स को मैंने डिस्कस किया, जहाँ पर मैंने टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों टाइप के वाइड्स को डिस्कस करा है, इसकी टचिंग कंडीशन कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। सो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।